लेट हो रहा थोड़ा। परमिश आओ चले, हम जा रहे हैं यहाँ से। मलाज वगास हाय कर दे मलाज। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, अभी हम आए हुए हैं रावण लेक और अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ के सीन्स वगैरह। चलो हमने शॉर्टकट ढूंढा है अंदर जाने के लिए झूला वाले साइड पे। बच्चों को आपको पता है झूले देख के फ़ौरन से रुक जाते हैं, देख कैमरा ऑन करती हूँ। बलाज को वकास से लिया हुआ है, अभी सोया हुआ उठता है तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। देख कैमरा ऑन करती हूँ आप लोग देखें, ठीक है? फिर सामने आपको F1 ट्रैक नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने रेसिंग करते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स कार्स वगैरह रखी होती हैं और मोटरसाइकिल्स, तो उनकी रेसिंग होती है। लोग झूले में बैठ तो गए, कश्ती वाले तो चीख रहे हैं बाबा कुछ नहीं कहता। खाती हूँ, उसको नीचे से वाइट मारती हूँ, जब भी नीचे आना शुरू हो जाता है ना फिर मैं उसको खाती हूँ, इतने मज़े का लगता है मुझे। क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें ना वेफर वाली जो हो मुझे बहुत मज़े की लगती है। साफ करना मलाज सोया हुआ। मलाज आपको पता हम कहाँ आए हुए हैं? हम रावल झील आए हुए हैं। अच्छा वकास टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ये वकास और तसीब का फेवरेट है। अच्छा मैंने कभी नहीं खाया, स्कूल लाइफ में भी लड़कियां खाती होती थी पर मैंने नहीं कभी खाया, मुझे नहीं अच्छा लगता। और मेरे बच्चों की आदत है डिट्टू अपने पापा के जैसी, जो चीज़ें इनको पसंद है मेरे बच्चे वो डेफिनेटली खाते हैं। तसीब भी रुकी है यहाँ पर, वकास भी रुके हैं यहाँ पर, ये दोनों इतने गंदे गंदे पापड़ खाते हैं आपको नाम बताऊँ तो आप लोग हैरान रह जाओ। और मैंने लेज भी कभी नहीं खाया। कहाँ लेना है पापड़ लेनी है आपने? पकड़ लो कैटो। मैंने सोचा था कि शिफ्ट में बैठेंगे पर हम अभी काफ़ी लेट आए, लेकिन मैंने वकास को कहा है कि झूले हम बाद में ले लेंगे, पहले शिफ्ट वाली साइड पे चलो, फिर वो बैठने नहीं देते ना ज़्यादा देर हो जाए, मगर के जाने के बाद शिफ्ट वाली जगह पे बैठने नहीं देते, बंद कर देते हैं। ये कश्ती वाले एरिया में और यहाँ पे भी एंट्री का टिकट होता है, आई थिंक 50 रुपीज़ बड़े का और छोटे का 30-40 इतना कुछ होता है। अब कितना है वो मैं देखूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस गुड़िया के बाल बोल रही मानी। ये एक अरबी तो मुझे अपने पॉपकॉर्न दे के वो ले लिया, मुझे ये एक और दे दें। टिकट हमने ले लिया है, बड़ों का 20 था और बच्चों का 10 था। अब हम जा रहे हैं अंदर, चल नहीं जाओ पानी में वहाँ जाना। यहाँ पे ना ये इस तरह के हट बने हुए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से स्टेडिंग के लिए। जब मेरी वकास की शादी हुई थी तब हम बहुत ज़्यादा आते थे स्टार्टिंग में, यहाँ बैठ के खाते थे चीज़ें वगैरह। अब मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मैंने पार्क्स वगैरह में आना छोड़ दिया है बच्चों के साथ ना, हम घूमने चले जाते हैं और किसी जगह पे खाना वगैरह खाने ज़्यादा चले जाते हैं। पार्क्स में अब हम बहुत कम आते हैं, क्योंकि हम शादी के स्टार्टिंग में कितना आते थे याद है? ये ज़ू है यहाँ पे, बहुत बड़ा सारा ज़ू है यहाँ पे। आई थिंक ये पता नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़ू है या एशिया का सबसे बड़ा ज़ू है। हर तरह का परिंदा एनिमल सब आपको यहाँ पर मिलेगा। आज जो है ना मैंने यार मेरा दिल करा था शिप पर बैठने का बहुत ज़्यादा, अब अल्लाह करे बैठने दें क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है हमें। मैंने झूले भी स्किप कर दिए इसी वजह से कि मैंने शिप पे बैठना है। टैक्सी हम एक दफ़ा मुझे आए थे यहाँ पर, अब तस्वीर हुई थी सिर्फ ना तस्वीर को लेकर, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी उस दिन, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। हमने यहाँ पर खाना खाया था और बहुत मज़ा आया था, स्टार्टिंग का डेज यहाँ है ना विकी। मुझे यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, बलाज यहाँ फर्स्ट टाइम आया है, तस्वीर काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। तस्वीर के ना फोटोग्राफर से हम पिक्चर बनवाते थे बहुत ज़्यादा, उस टाइम पर DSLR का इतना ट्रेंड नहीं था। मैंने ना ये वाला ड्रेस पहना है आज, ये इसकी बाजू बेल बॉटम है, इस तरह ये क्या पड़ेगा यहाँ पे देखिए इस तरह से ना पूरे उस पर लकड़ी की डिजाइनिंग की हुई है। और हम आ गए हैं झील वाली जगह पर, आई होप कि बोटिंग हो रही हो तो हम बोटिंग करेंगे। आई होप आप लोगों को पानी नज़र आ रहा हो। हम सारा चल चल कर आए हैं ये वाला रोड। हाँ हम कराची के लोग ना इन जगहों पे आके अपना दिल खुश कर लेते हैं।
लोगों ने नज़ारे करने हों पानी के, तो वो यहाँ पे जाके ऊपर यहाँ से नज़ारे कर सकते हैं। यहाँ पे सारी तरफ जालियाँ वगैरह लगाई हुई हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, पर हमारे बच्चे जो है वो इन जालियों में भी चढ़ जाते हैं। मैं इन भाई से पूछ रही थी अभी कि भाई अगर शिप पे डूब वूब जाते हैं कोई बचाने का अरेंजमेंट है। अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए फाइनली, थोड़ी सी रोशनी है तो रिकॉर्ड हो जाएगा कुछ ना कुछ। अभी हम जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए। मतलब आज इतना खुश है कि किसी को भी कुछ पता है। मैं ना सेकंड टाइम बैठी थी, मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी जब मैं पढ़ती थी सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरूम में, तो वहाँ पे ना अलमंजर है, जो सिंध के रहने वाले हैं उनको पता होगा, वो भी अलमंजर भी ना दरिया सिंध का पानी शानी आता है, तो उस जगह का नाम अलमंजर है। तो वहाँ पर मैं बैठी थी फर्स्ट टाइम शिप में। वो वैसे इतना डीप नहीं है, ये काफ़ी डीप है, और ये चक्कर लगवाते हैं बन्नी गाला तक अगर आपने जाना हो तो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने उसे पूछा अभी भाई कश्ती डूब वूब तो नहीं जाती, तो दे सेड नो। मैंने कहा अगर डूब जाए तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठते हैं हम शिप में। और मिस कहाँ बैठी हो? किधर तक लेके जाते हैं भाई? किनारे तक। कौन कौन सी जगह है यहाँ पे पास? ऐसे ही बहुत फोर्स लगाना पड़ता है आप लोगों को, और अगर ना चलाए चप्पू तो क्या होता है? ये फिर हवा के साथ एक किनारे पे चले। अच्छा, इसमें हाथ लगाते हैं कोई काटता तो नहीं है? नहीं, नहीं। पानी को ऐसे ऐसे कर सकते हैं? मछलियाँ वगैरह तो आया वैसे, मछलियाँ क्योंकि आप करें ना, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी ना, मुझे डर लगता है। करे इसके अंदर ना शार्क होती है, आपको पता है? मुझे डर लगता है। क्या चीज इतनी ज्यादा शिप से आप लोगों को नजर आ रही है ये देखो। अभी इस टाइम जो है ना हम बिल्कुल पानी पानी है हर तरफ। उस टाइम बैठी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसमें ना तो हमारे एरिया में था अलमंजर। फिश आ जाएगी, आपको पता है इसमें फिश है? मम्मा अगर डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन पता नहीं इसमें, इधर की कौन कौन सी फिश होती है यहाँ पर? कौन सी सब फिश होती है? तो बगैर कांटे की होती है, दूसरी होती है। लाइक कुदरत देखे, अल्लाह पाक ने कैसे शिप पानी के ऊपर चला रहा है और हम इसके अंदर बैठे हुए हैं, है ना? बस इतने लोग हैं शिप्स में, आपको नजर आ रहा है? आपको जूम करके दिखाती है, देखे बलाज को मजा आया पानी के अंदर? ओ जो ना पुत्र मेरा बलाज, आपको मजा आया पानी? नाना नाना अनवीर तो वाओ, देखिए देखा यहाँ पे इनको देखे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। अच्छा वहाँ पे भी देखे, ये वाली जो है ना ये खुद चलानी पड़ती है पैरों से, इस तरह की ना यू पार्क में भी है ना, पत्थर है ना वो, उसके साथ बंधी हुई रस्सी के साथ नीचे। सही, बड़ा अच्छा इंतजाम है। 5 साल पहले तो कोई हाल नहीं था यहाँ का, अब बहुत अच्छा कर दिया इन लोगों ने। मैंने तो उसके बाद तोबा की थी, मैं ब्रावल झील कभी नहीं जाऊंगी। इसमें मोटर बोट चलते थे, वो बंद हो गए। अब वो पहले मोटर बोट ही थे जब हम आते थे। मर गए थे वो बंदे जो शिप मिली नहीं, फिर वो मिली है किनारे, बच गई थी कि नहीं? मुझे डरा ही दिया भाई ने। क्या होता है वो डूब जाती है अगर मोटर खराब हो जाए? गिर गई थी वो लड़की, गलती से डूब जाए तो उसको बचाने के अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे? आप लोगों को तैराकी आती है? बेचारी लड़की, वो जो हमारे मोहल्ले में रहते थे उनकी भी तो उसी जगह पे डेथ हुई थी, उसकी गिर गई थी और फिर वो उसकी डेथ हो गई थी। ओह हमारी टक्कर हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया। और अभी हम बस वापस जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, और जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है मग़रिब के अज़ान के बाद तो फिर वो वापस बुला लेते हैं जितने भी शिप्स गए हुए होते हैं ना उनको, तो हम भी वापस जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने भी और बच्चों ने भी और वकास ने भी, और मैंने तो इन भाई का इतना सर खाया था, इतने सवाल पूछे थे इनसे, लेकिन ये बहुत कोऑपरेटिव थे, इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, तो बहुत 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 मज़ा आया। आप लोग भी जब जाएँ रावल झील तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बोट का ट्रिप अपना। तो अभी आगे पठान डांस कर रहे थे, मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये था
मेरा रावल झील का टूर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।